अच्छा जी, सिंध हुकूमत का पीपल्स कराची प्रोग्राम आ गया। पीपल्स कराची प्रोग्राम आ गया, कहाँ से आया भाई? कौन लाया? कैसे लाया? किस लिए लाया? लाया किस लिए? जो कायदे हैं, पानी का बहरान ख़त्म हो जाएगा। इस बात पे तो मुझे खांसी भी आ गई है और अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या है? हुकूमत को ख़तरा नहीं है, पीपल्स पार्टी नून लीग असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हैं भाई शेख रशीद, ये तो आप ना हर वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, ओ भाई उनका पीछे छोड़ो, तुसी अपने रेलवे की फिक्र करो, गड्डियां ते लगते ही जानी ने और बेड़ा गर्क हो जाना ने, सारी गाड़ियां ते ऐसे आनी है और ऐसे लग जानी है, भाई वो हाथ से बचाओ। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी, माफ़ कर दो, थोड़ा इंसाफ कर दो, हमने जो चांटे लगाए उसका हिसाब कर दो, ये है सूरत हाल। अच्छा जी, एक अखबार में, अच्छा अखबार जो है ना ज़रा संभालने में मुश्किल हो जाती है भाई। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्लिफ्टन में गैर मुल्की खातून की पंजा लगी, नहीं यार ये अच्छी खबर नहीं। अच्छा जी, लॉलीपॉप नहीं चलेगा, कौन कह रहा है? फारूक सत्तार साहब। भाई देखिए, जहाँ तक लॉलीपॉप की बात है, आप लोगों को पिछले बहुत सालों से सिर्फ हर हुकूमत लॉलीपॉप देती है। वसीम अकरम का तनकीद करने वालों को जवाब। वसीम अकरम ने पे तनकीद की थी किसी ने कि वो एक छोटी सी बच्ची है उनकी, उसको वो है ना लेके जा रहे थे और लिबास ज़रा सा, जारी बात है कि बच्ची है, छोटी सी है, मुन्नी सी है भाई, इतनी प्यारी सी है, और वो जैसे भी वो बच्चों को वो लिबास पहनाते हैं हमारे यहाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, एतराज़ करने वालों को एतराज़ करने का शौक़ है, वो चाहते हैं हर किसी चीज़ पर एतराज़ करो, चल करते रहो भाई एतराज़, उनके उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वसीम अकरम भाई, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके, कैसे? अच्छा जी, गैर कानूनी तामीर की सरपरस्ती, गिजरी थाना मुअत्तल। यार ये वैसे एक बात बताऊँ, इस वक्त मेरे दिल की बात कह दी, असल में आप गिजरी के इलाके में जाइए और जहाँ पर जमजमा का रोड अंदर जा रहा होगा उस जगह पर जाइए, सारा इलाका नथराइज है, लेकिन ना तो DHA कुछ कर सकती है और ना ही ये पुलिस, समझ रहे हैं? हाँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इनके साथ। अच्छा जी, ये पता नहीं मेरा अखबार देख के भाग जाता है इधर उधर। एक हाँ, एक खबर और बड़ी अच्छी, कहते हैं हकीकी असबाब नागुज़ीर हैं सराजुल हक। एक तो सराजुल हक साहब जमात इस्लामी के माशाल्लाह अमीर हैं, अमीर ही हैं बेचारे, बहुत सीधे आदमी हैं, अमीर वमीर नहीं है, वो वाले अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है बेचारे, कोई ज़्यादा जायदाद नहीं है उनके पास, लेकिन बेचारी जमात इस्लामी कितने सालों से हर चीज़ पे बोलती है, हर चीज़ पे काम करती है, हर जगह पे एहतजाज करती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये हुकूमतें उनको सीरियसली नहीं लेते। चलो अल्लाह मालिक है। अच्छा जी भाई, ये जो सरवत अतीक साहब हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा भाई, नवाज शरीफ इलाज करा कर ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा के ही वापस आएंगे। अच्छा ठीक है भाई, आएंगे, कोई आने देगा उनको?
क्या कहा? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया आज का, फिर अगले प्रोग्राम के लिए फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलामुअलैकुम।